आज हम आपको ये फ्लावर पॉट बनाने जा रहे हैं ऑयल पेस्टल से। सेंटर लीजिए, सेंटर में सबसे बड़ा जो भी फ्लावर बनाना चाहते हैं वी शेप से, मैं इसको और जी बीच में सेंटर में जी लिखा, रेड कलर, रेड के साथ वाइट लाइट टोन के लिए इसको फैला दीजिए। मिक्स करिए अच्छे से कलर को ताकि नीचे, लेकिन कलर को हल्का हल्का चलाइएगा, ज़्यादा प्रेशर दे के ना चलाएंगे। बीच में थोड़ा सा डार्क टोन, ब्लू ब्लैक कोई भी कलर लेकर के, फिर ग्रीन पत्ते जो निकले होते हैं फूलों के चारों तरफ उसको दिखाएंगे। ग्रीन और येलो कलर, ग्रीन कलर से पहले आउटलाइन, सेंटर लाइन, फिर येलो कलर से शेड्स, सैप ग्रीन मैंने यूज किया है, इधर ब्लू कलर से येलो कलर के साथ ग्रीन बना रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप उस कलर को यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ब्रांच, पहला फ्लावर बड़ा होगा। नीचे पॉट के लिए बैलेंस ले लीजिए, सबसे पहले फ्लैट ब्लू कलर से ऊपर में वी शेप दोनों तरफ से, जैसे बोट में बताए थे, सर्कल लेके घटते क्रम में नीचे की तरफ, फिर बढ़ते क्रम में पॉट का जो शेप होता है सेंटर लीजिए, सेंटर में राउंड शेप कलर भरना शुरू करेंगे। अब ऊपर से डार्क टोन, सेंटर और टॉप ले लिया मैंने, एक तरफ से कलर दिख ही रहा है, रेड कलर लिए है, बीच में ब्लू का थोड़ा इफेक्ट दिए थे दूसरी तरफ से, फिर येलो शेड यानी एक तरफ डार्क और एक तरफ लाइट, लाइट शेड क्रिएट करने के बाद कलर को थोड़ा सा मिला दीजिएगा लास्ट में। शेडो के लिए ब्लू कलर, इस पर येलो कलर, हल्का ग्रीन शेड आएगा। पत्ते बनाने के लिए ऊपर की तरफ ब्लू कलर, पत्ते बनाने के लिए जगह जगह पे जहाँ भी हो आपको अच्छा लगे वहाँ। रेड और येलो से फ्लावर, इसमें फ्लावर में टर्न है जो आपके तरफ टर्न किए हुए हैं। पहले वाला फ्लावर सीधे ऊपर की तरफ है, ये दूसरी तरफ ग्रीन येलो मिलाने के बाद वो ग्रीन बन जाएगा। बाहर की तरफ लाइट टोन में येलो पे हल्का सा रेड का इफेक्ट दे करके बिल्कुल लीजिए, ये स्टेप है, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं इसको, आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। बीच में भी फ्लावर कहीं पत्तों से हल्का छुपता हुआ, जितना फूल हो सकता है भर दीजिए। सबसे पहले जो आप फूल बनाएंगे उसको सबसे बड़ा बनाना है, वो सबसे पहले आता है, उसके बाद छोटे छोटे और भी अलग अलग तरह के फूल बनाएंगे। बाहरी
से। इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, उसको किनारे में दोनों किनारों पे डार्क टोन देंगे, इस तरफ से लाइट टोन देंगे। इसको अच्छे से मिला दीजिए। कपड़े लेकर के मिलाने से थोड़ा ज़्यादा मिक्स होता है, मिला दें, मिलाने पे और ज़्यादा थोड़ा सा चमक आ जाता है। इस तरह से आप प्रयास करिए।